नमस्कार, आज हम जौनपुर के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के सराय त्रिलोकी गांव में हैं। यहां पर हमारे आज मतलब कुछ ऐसे प्रत्याशी किस पार्टी से हैं जो अपने कार्य व्यवस्था से मतलब जनता के लिए क्या कार्य करेंगे हमें बताएंगे। धन्यवाद। हाँ, आपका क्या कार्य है? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये कोई पार्टी नहीं है। अच्छा। हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं है। अच्छा। हम लोग समाज सेवक हैं और महिला शक्ति सेवा संस्था हमारा संगठन है जिसके तहत हम विधवा महिलाओं को और समाज में जो तलाकशुदा महिलाएं हैं और किन्नर समाज है उन्हीं के लिए जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसे क्या क्या कार्य करते हैं कुछ बताइए। हमारे महिला शक्ति में 6 प्रकार की योजनाएं हैं। पहली योजना है जैसे ये विधवा माताएं जो हैं और तलाकशुदा महिलाएं और किन्नर समाज, क्योंकि विधवा महिला जो समाज में विधवा हो जाती है तो समाज में उसका कोई रह नहीं जाता, कोई उसका सुख दुख पूछने वाला नहीं है, तो उसके लिए हमारा संगठन कार्य कर रहा है। उनको पहले तो 2000 रुपये महीने का पेंशन आजीवन, उनके लाइट का लाइट बिल माफ़ होगा, उनका पानी का बिल माफ़ होगा और उसके बाद यदि वो किराए के मकान पे रहती हैं तो उनको आवास की भी सुविधा दिया जाएगा महिला शक्ति के द्वारा। उनके बच्चों की 22 साल तक उम्र की पढ़ाई फ्री रहेगी। उसके बाद उनको जो है कहीं भी आने जाने के लिए सरकारी बस और ट्रेन का पास मिलेगा। ये सारी सुविधाएं महिला शक्ति के द्वारा दिए जाएंगे। अच्छा, आपका संस्था मतलब देश के मतलब हर हिस्से में कार्य कर रहा है सिर्फ इसी प्रदेश में? नहीं, हमारी महिला शक्ति जो है वर्तमान में 28 राज्यों में कार्य कर रही। महिला शक्ति के हमारे पदाधिकारी वर्तमान में 7 करोड़ हैं। अच्छा। हिंदुस्तान में जो है सब समाज सेवा कर रहे हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से जो है विधवा महिलाओं की सेवा कर रहे हैं और आज जो है यहाँ बदलापुर ब्लॉक में हम लोगों का आप कार्यकर्ताओं की बैठक थी जिसमें हम लोग इस कोरोना काल को जो चल रहा है हमारे आपके देश में तो मास्क वितरण करके जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अच्छा, कुछ कार्यकर्ता हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप लोगों का क्या राय है कुछ बताइए। हम लोग महिला शक्ति में काम करते हैं और महिला शक्ति में काम करेंगे विधवाओं महिलाओं के लिए, किन्नर महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, आजीवन पेंशन, बिजली बिल माफ, पानी बिल माफ, बच्चों की शिक्षा 22 वर्ष तक फ्री और बस और ट्रेन का किराया फ्री पास मिलेगा। और जिस विधवा महिला को जिस विधवा महिला के पास आवास नहीं है, घर नहीं है, उसको आवास दिलाया जाएगा। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जी जायसवाल जी का यही सोच है और यही विचार है और हम लोग सब लोग यही मिल करके समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और करना चाहते हैं। आप लोग भी कुछ बोलेंगे? थोड़ा सा नीचे। हर हर महादेव। हर महादेव। मैं अर्चना तिवारी, जिला अध्यक्ष, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जी, हम लोग महिला शक्ति में कार्य करने का मौका मिला है हमारे राष्ट्रीय गुलाब जी जायसवाल सर के हिसाब से, तो हम लोग को बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म मिला। अभी आज तक किसी ने महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया था जो कि हमारे गुलाब जायसवाल सर ने किया है, इसलिए हम बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, ये बताइए किसी भी पीड़ित महिला को अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे किया जा सकता है? हम लोग खुद हर जगह संपर्क किए हुए हैं, ठीक है, हर गाँव में हमारे पदाधिकारी। अच्छा, हाँ बोलिए। हमारे पदाधिकारी 16 की टीम है जिले में। हर ब्लॉक में, जौनपुर जिला में 21 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में जो है 16 पदाधिकारी हैं, 8 महिला 8 पुरुष हैं और इनके द्वारा हर ब्लॉक में जितने ग्राम पंचायत होते हैं उसमें हर ग्राम सभा में एक महिला एक पुरुष ग्राम पंचायत अध्यक्ष के नाम से रखे गए हैं। वही जो है सारा कार्य लिस्ट अभी तैयार कर रहे हैं और हर जगह की लिस्ट तैयार हो रही। कुछ जगह की PDF हमारे पास आ भी चुका है। जैसे ही PDF हर जगह तैयार मिल जाएगा उनकी योजनाएँ बहुत जल्द से जल्द चालू कर दी जाएगी।